दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी कंपनी के बारे में। टाटा कंसल्टेंसी कंपनी का अपर टारगेट लोअर टारगेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा देना। देखिए टाटा कंसल्टेंसी कंपनी अभी के लिए दोस्तों मार्केट में थोड़ा सा लास्ट में क्लोजिंग टाइम में मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने को मिल रहा है, लेकिन शुरुआत में मार्केट में थोड़ा सा गिरावट दिखने को मिल गया, जिसके कारण दोस्तों मार्केट ज़्यादा लॉस में है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों ये रिकवर करने के चांस बहुत ही ज़्यादा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि हर की जो रेजिस्टेंस लाइन है दोस्तों यही है रेजिस्टेंस लाइन, और उसका सपोर्ट लाइन दोस्तों ये है, तो इसीलिए लग रहा है दोस्तों मार्केट में थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट डे में मतलब 7 सितंबर में क्या हालचाल रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। 7 सितंबर उसका अपर टारगेट रहेगा 3140 के आसपास का अपर टारगेट रहेगा, और उसका जो लोअर टारगेट रहेगा 3110 के आसपास का लोअर टारगेट रहेगा दोस्तों। मैक्सिमम चांस दोस्तों रहेगा लोअर टारगेट को हिट करने का, क्योंकि मार्केट में एक अच्छे खासा गिरावट दिखने को मिलेगा। जब भी दोस्तों रेजिस्टेंस लाइन में मार्केट क्रॉस करेगा उसके बाद ही दोस्तों एक थोड़ा सा गिरावट दिखने को मिलेगा। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, हम किसी को भी स्टॉक को बाई करने के लिए एडवाइस नहीं देते हैं।